नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम की एक योजना की शुरुआत होगी, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज उसके बारे में और डिटेल्स दिए। क्या ये पैकेज काफी होगा? मजदूरों की बात छोड़ दी गई है, किसानों की बात छोड़ दी गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं परंजय गुहा ठाकुर। परंजय, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रांजल। अगर पहला सवाल ये होगा मेरा कि अगर मोटे तौर पे इस पूरी लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए और प्रधानमंत्री के भाषण को सुना जाए, तो क्या ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको अगर एक चीज में जवाब दिया जाए तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, हमें मालूम नहीं है 20 लाख रुपए खर्चा होगा कि नहीं। पहले 1,70,000 का बात हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90,000 करोड़ थे पुराने जो कार्यक्रम थे, ठीक है, कुछ नया भी है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक भी और कुछ घोषणा किया, तो लगभग ये 20 लाख करोड़ में एक बहुत बड़ा हिस्सा, 3,20,000 करोड़ घोषणा हो गए। अब आज भी कुछ घोषणा है और कल भी कुछ होगा और परसों भी कुछ होगा और तरसों भी कुछ होने वाले हैं, तो हमें अभी तक मालूम नहीं है कि और क्या क्या आने वाले हैं। अगर सिर्फ आज के बारे में आप कहेंगे, इसमें दो तीन बहुत सारे वो 15 घोषणा उन्होंने किया, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण दो तीन घोषणा है। एक है कि जो हमारे जो गृह या कुटीर या सूक्ष्म या लघु और मध्यम जो उद्योग है, इन लोग के लिए राहत का एक पैकेज इन्होंने दिया। इसमें बोला कि 45 लाख ऐसे छोटे जो यूनिट है, जो कुटीर या सूक्ष्म या लघु ये उद्योग है, इनके लिए 3 लाख करोड़ का ऋण इनको मिलेगा। इनको कोई गारंटी देना पड़ेगा, नहीं कोलैटरल देने पड़ेगा। ये इसका जो पूरा जो रिस्क है और जो खतरा है, ये बैंक के ऊपर आए, और समय बताएंगे कि इसमें बैंक का एनपीएज या नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो वो ऋण देते हैं, ये बनेगा नहीं। ये पहला बात। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ा घोषणा है कि जो बिजली वितरण कंपनी है, इन लोग के लिए 90,000 करोड़ का एक राहत का पैकेज। मान लिया सारे जो बिजली वितरण करते हैं कंपनियां हैं, डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनका हालत बहुत बुरा, ठीक है, उनको राहत मिलेगा। कितने दिन के लिए भी मिलेगा, ये समय बताएंगे। फिर ये 90,000 करोड़ जब खर्च हो जाएगा, क्या बिजली का दाम बढ़ जाएगा उपभोक्ता के ऊपर, ये देगा कि नहीं, ये समय बताएंगे। और इन्होंने कुछ जो आयकर देते हैं, भारतवर्ष में 2.5% हमारे पूरा जो लोकसंख्या है, जनसंख्या है, इसका 2.5% लोग आयकर देते हैं, उनके लिए कुछ है राहत है। मगर असली बात है, एक बहुत बड़ा इन्होंने कार्यक्रम किया कि सरकार, भारत सरकार जो टेंडर इशू करते हैं, 200 करोड़ तक टेंडर वो विदेश से कुछ नहीं लाएंगे। यानी कि हमारे देश के जो उद्योग है, वो जो छोटे उद्योग है, जो लघु उद्योग है, जो सूक्ष्म उद्योग है, ये सरकारी ये सप्लाई देगा। इसका मतलब क्या है? हमारे 60 के दशक पे, हमारा 70 के दशक पे ऐसा कार्यक्रम था। उसके बाद सब कुछ बदल गया। 90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की स्थिति, आज आपका विदेश से आयात निर्यात का स्थिति बहुत खराब। इसके असर किसके ऊपर पड़ेगा? चीन से जो आयात करते हैं, सरकारी जो चीज खरीदते हैं, ये कम हो जाएगा। और ये है मोदी जी का नया नारा, आत्मनिर्भरता। बहुत लोग को याद नहीं है कि 50 के दशक में और 60 के दशक में यही नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी था। शायद वो पसंद नहीं करेगा, जो भाषा उस समय पंडित नेहरू इस्तेमाल किया, आज मोदी जी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं,
मगर कह रहे कि पंडित नेहरू हमारा एक तरह से हम उनका जो विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, तो एक तरह से सब घूम फिर के वापस वहीं चले गए हैं। और देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रवासी मजदूर मजदूरों के लिए, गरीब के लिए आपने बड़े बड़े बात किया। आज निर्मला सीतारामन जी, अनुराग ठाकुर जी, वो जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू किया था 4 बजे, पहले आधा घंटा पुराने क्या क्या किया ये सारी चीज बताया, फिर 1 घंटा हमें नया किया। और ये भी कहानी पूरा नहीं हुआ, जब सवाल उठा था कि इसका असर कहाँ से आया, कितना पड़ेगा वित्तीय घाटा, में निर्मला सीतारामन जी बोले कि इंतजार कीजिए क्योंकि और भी घोषणा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसा होगा, और जैसे विरोधी दल कह रहे आप और भी कर्ज लीजिए, आप और भी खर्च कीजिए, और राज्य सरकार के लिए आप क्या कर रहे हैं, यही सवाल उनसे पूछा गया था। आप कह रहे लिक्विडिटी, और सरकार के जो बाकी पैसा था वो वापस दे रहे हैं, हम ठेकेदार को बोल रहे हैं, हम एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इन लोग को आप मदद कर रहे हैं। तो एक तरह से आप दिखाने चाहते हैं, हमारे देश का जो मध्य वर्ग है इनको दिखाने चाहते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं देश का अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए। और जो सारे 12-13 करोड़ लोग जो पिछले 1.5 महीना में जिसका नौकरी चला गया, उनका लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है हमारे जो छोटे उद्योग है, जो कुटीर उद्योग है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, एक बार जब शुरू करेंगे फिर लोगों को नौकरी मिलेगा, समय बताएंगे, मगर ऐसा नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बारीकी से बहुत सारे घोषणा किया, TDS ये होगा, आयकर में ये छूट होगा, ये डेडलाइन पीछे होगा, ये हमारे MSMEs, मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस तरह से आप डिफाइन करते हैं निवेश के ऊपर या टर्नओवर के ऊपर, बहुत सारी बारीकी से लंबा चौड़ा इन्होंने बात किया, मगर गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए, किसानों के लिए आप उनके बात सिर्फ किया, मगर उनके लिए हमें इस पैकेज में कुछ नहीं देगा। और सचमुच इसको हम पैकेज भी कैसे कह सकते हैं, 15 लंबा घोषणा है और कुछ नहीं। अरुण जी, मैं इसी बात पे जो दूसरी चीज है उस पर आना चाहूंगा कि आपने जैसे फिगर्स बताए कि 12 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को नौकरियों 12 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं पिछले 1 महीने में ही, डेढ़ और महीने में, डेढ़ महीने डेढ़ में, महीने में पिछले एक CMI के जो फिगर्स थे उस हिसाब से। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो सिचुएशन है इस समय, अगर हमें एक स्कीम और याद हो तो प्रधानमंत्री की स्कीम हुआ करती थी मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के क्या हालात हुए उसके बारे में सभी को पता है। तो ये मेक इन इंडिया की जगह आत्मनिर्भर होना, ये कहां तक टिक पाएगा? ये नारा ही बदल गया जी। आप दिखाने चाहते हैं मेक इन इंडिया, मगर आज आपके सामने विकल्प नहीं है। आपका विदेशी वाणिज्य खत्म हो गया, आप नहीं चाहते हैं चीन के निवेश हमारे देश में आए, तो आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है। तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना वर्चू आउट ऑफ नेसेसिटी, आपके सामने रास्ता नहीं है, तो इसी को आप कह रहे हैं, यही बहुत अच्छा बात है। जैसे प्रधानमंत्री क्या जो क्राइसिस को हम आपात को हम एक दिखा रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी हो गया, यही हो गया, आपको रास्ता नहीं है, आपको यही रास्ता करना चाहिए। तो इसीलिए आपने वही नारा सिर्फ बदल दिया, उस समय मेक इन इंडिया था, स्किल इंडिया था, एक के बाद एक आपने नारा किया, नारा लगाया, आज एक और लग गया आत्मनिर्भरता, ये एक नया नारा लग गया, मगर सचमुच राज्य सरकार के हाथ में कहां से पैसा आएगा ये सिर्फ समय बताएंगे। क्योंकि आज जो आर्थिक संकट के समय आए हैं, और जो प्रधानमंत्री सारे जो मुख्यमंत्री के साथ जो बातचीत किया, दो चार मुख्यमंत्री उनको सुना दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये जो प्रवासी मजदूर जो दक्षिण भारत का राज्य में आ रहे, पश्चिम बंगाल में आ रहे, आसाम में आ रहे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आ रहे, इनके राहत के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लोग कह रहे कि आप FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये भूल जाइए अभी इस वक्त,
अभी उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया, तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं था, तो इसलिए आप कह रहे हैं मेक इन इंडिया का एक नया नाम आ गया, ये है आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भरता को आप आज बहुत, आप इसका क्या जरूरत है आज आप समझ गया है। बहुत दशक से बहुत लोग कह रहे थे आर्थिक उदारीकरण के समय के पहले से ही और उसके बाद भी लोग, कहा आज आपके सामने और रास्ता नहीं है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। परंतु एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये जो पैकेज का पूरा अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें जो पहले पैकेज अनाउंस हो चुके थे वो भी इंक्लूडेड है, तो आरबीआई का जो लिक्विडिटी स्टिमुलस का जो उनका पूरा पैकेज था वो भी इंक्लूडेड है, जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था वो भी इंक्लूडेड है, तो फिर इसमें नया अनाउंसमेंट है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें जो नया अनाउंसमेंट है, ये जो छोटे और आपका जो लघु और ये जो उद्योग के लिए जो पैकेज है ये नया है, ये सूक्ष्म और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए जो पैकेज है, ये 90,000 करोड़ का जो 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 बिजली का वितरण करने का कंपनी का जो राहत का पैकेज है ये, और बाकी तो इसमें और खास नहीं है। कुछ आपने ये डेफिनेशन इधर उधर किया, आपने कहा कि हमारा जो पैसा बाकी है आपको हम वापस दे देंगे जल्दी, ये तुम्हारा पैसा नहीं था, आपको पैसा वैसे भी वापस देना की जरूरत है, आप देंगे, और जो आयकर का कोई डेडलाइन था वो बोला हाँ आप पीछे दे सकते हैं कुछ आपको, और भी आपको कर्ज मिलेगा, ये सारे है। तो एक तरह से जो 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 कठिन और जो सबसे जो मुश्किल काम है वो कब आएंगे अभी तक मालूम नहीं है। तो परंतु एक सवाल ये 20 लाख करोड़, ये 20 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? भारत सरकार क्या और भी ऋण लेंगे? FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ये भूल जाएंगे? राज्य सरकार को कितना मिलेगा? ये सारे अभी भी अस्पष्ट है, और आने वाले 2-3 दिन में हमें पता नहीं वित्त मंत्री निर्मला जी और क्या क्या घोषणा करेंगे। परंतु एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो लाखों की संख्या में मजदूर शहरों को छोड़कर वापस गए हैं, जब ये वापस लौटेंगे ही नहीं इन कारखानों में, तो ये कारखाने चलेंगे कैसे? और जिस तरीके का रवैया सरकार ने अपनाया है, एक तरफ आप प्लेन भेज के लोगों को ला रहे हैं पर मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, रोटी नहीं मिल रही है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, खाने का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो जब ये मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, आम जनता के लिए कुछ नहीं है, तो फिर इसका क्या ये लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों पे कोई इसको पैकेज देने का कोई फायदा है? ये समय बताएंगे इन लोग वापस आएंगे कि नहीं, इनका इनका छोटा मोटा कारखाना जो है ये खोलेंगे कि नहीं, और लोग आने चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए गाँव में, और बहुत सारे लोग गांव जाने चाहते हैं। क्यों जाने चाहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने निवेदन किया, हाँ भाई इनको तनख्वाह दीजिए, जो जो मकान मालिक है बोलिए इनसे आप किराया मत लीजिए, मगर लोग इनका बात तो सुनते नहीं, बोला। और जब जो जब जब हमारे बस्ती में हमारे झुग्गी झोपड़ी में जब लोग पूछते हैं कि हमारा हमारा आय नहीं है, हमारा आमदनी नहीं है, तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमें पैदल जाना पड़ेगा, हम साइकिल में जाएंगे या ट्रेन बस नहीं देंगे। ये आज भारतवर्ष का इतिहास में 40 के दशक के बाद, शायद 40 के दशक में भी हम ऐसा नहीं देखा, इस तरह का इंटरनल माइग्रेशन, इस तरह का प्रवासी मजदूर, इसके बहुत एक असर पड़ेगा हर क्षेत्र में। और आपने बिल्कुल ठीक किया, ये आप छोटे जो मीडियम यूनिट स्मॉल स्केल यूनिट को आप राहत दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आपको कर्ज मिलेगा, मगर इनका जो मजदूर वो वापस आएंगे नहीं, वो कहेंगे कि अगर हमें गांव छोड़ के आना है आप और क्या हमें देंगे। परंतु इसी से कनेक्टेड एक दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लेबर रिफॉर्म्स कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स, 8 आवर्स से 12 आवर वर्किंग आवर्स कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस सारे पैकेजेस को अगर हम ध्यान में रखें तो? ये बड़े बड़े ये हमारे जो उद्योगपति है, हमारे जो पूंजीपति है, छोटे बड़े सबको कह रहे हैं कि आप श्रम कानून भूल जाइए, जो दशक का लड़ाई के बाद लोगों को मिला, जो सफलता मिला, आज भूल गया लोग। और ज्यादा से ज्यादा जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी क्षमता में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में ये सारे लेबर लॉज, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश पे आप देख रहे हैं लोग लेबर लॉज भूल रहे हैं। तो इसके बाद भी आप सोचेंगे कि आप गांव छोड़ के आइए, आपका जो 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 नौकरी में जो एक सुरक्षा जरूरत है, जो आपका जो भी आपका तनख्वाह वगैरह मिलता है, जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, आप अगर नहीं देंगे तो लोग वापस आएंगे, गांव छोड़ के वापस आएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास क्यों, शायद विश्व में कभी हमने नहीं देखा कि एक देश के अंदर कितने लोग एक जगह छोड़ के और कहीं चले गए, और ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ गए हैं, वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत का अलग अलग जगह छोड़ के पूर्व पूर्व भारत में गया, आसाम में गया, बंगाल में गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये राज्य में बहुत ही एक आर्थिक संकट, वैसे भी आर्थिक संकट चल रहे, और जैसे झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था न्यूज फीड को जब मैं साक्षात्कार किया था, उनका समस्या और उनका चुनौती अभी शुरू हुई, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीना में उनको पैसा कहाँ से आएगा, खाद्यान्न कैसे देंगे, नौकरी कैसे लोगों को मिलेगा, लोगों का जीविका का क्या हालत होगा, ये अगर हम चिंता करें, बहुत ही एक गंभीर स्थिति में हम जा रहे हैं। पता नहीं हम 70 80 80 साल में जो बंगाल का जो फैमिन था, जो उस समय का महामारी था, जो दूसरी विश्व युद्ध चला था, देश का विभाजन जब हुए थे, हम लोग उसी समय जो संकट के समय जा रहे थे, हमें हमें लग रहा है कि आज हमें ऐसे भाई इतना बड़ा संकट में हम आज भी गुजर रहे हैं। शायद समय बताएंगे, इतिहास हमें बताएंगे, आज का जो संकट है, जो 75 साल पिछले जो संकट होती है, उतना बड़ा संकट उसके साथ हम तुलना कैसे कर सकते शुक्रिया शुक्रिया परंजय बात करने के लिए, और जैसे ये अन्य घोषणाएं होंगी हम दोबारा आपके पास आएंगे, और इन मुद्दों में जब थोड़ा और क्लैरिटी आएगी तो हम और डिटेल्स में इन सारे मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद परंजय। नहीं। थैंक यू, वेल थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.